खजराना गणेश मंदिर का खजाना खुला। दान पेटी ने उगले 2000 के नोट और डॉलर। सोने चांदी के आभूषणों का लगा अंबार। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियां खोलकर मंदिर को मिले दान की गणना की जा रही है। खास बात यह है कि बीते 2 दिन से दान गणना की प्रक्रिया जारी है, जिसमें अब तक करोड़ रुपए की नकद राशि गिनी जा चुकी है, जो कि सिर्फ बड़े नोटों में है। वहीं छोटे नोटों के सिर्फ बंडल बनाकर रखे गए हैं। उनकी संख्या बेहद अधिक है, इस कारण इनकी गणना सबसे बाद में अलग से की जाएगी। फिलहाल बीते 2 दिनों के दौरान 34 दान पेटियां खोली गई हैं, जिनके दान की गणना के बाद ही आगे की पेटियां खोली जाएंगी। बता दें कि मंदिर में कुल दान पेटियों की संख्या 46 है। बता दें, दान की गिनती करने वाली प्रशासनिक टीम का मानना है कि सभी 46 दान पेटियों से निकलने वाले दान की गणना करने में लगभग हफ्ते भर का समय लग सकता है। और लाडली बहनों के लिए आई बुरी खबर, इन महिलाओं को नहीं मिलेगा 450 में गैस सिलेंडर। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए ये बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि कुछ महिलाओं को 450 में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। दरअसल 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर पाने के लिए बड़ी संख्या में पुरुष के नाम से महिला के नाम पर ट्रांसफर कराने का मामले सामने आए हैं, इसलिए ऐसे लोगों को 450 में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका नाम पहले से ही गैस कनेक्शन था। बता दें, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि यह सिर्फ उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री लाडली बहना के लिए है। पुरुषों के नाम पर यदि रसोई गैस सिलेंडर है तो वह मान्य नहीं किया जाएगा। इस योजना के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में ट्रांसफर के मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कनेक्शन महिला के नाम पर ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट बताया। मध्य प्रदेश में बीते 2 सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इसके साथ ही अच्छी बारिश के कारण प्रदेश के अधिकतर डेमों के गेट भी खोल दिए गए हैं। इस समय प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश तो कई जिलों हल्की बारिश देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें, 1.5 महीने में प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, इस कारण मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक 21 इंच बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन औसत से लगभग 4 इंच ज्यादा बारिश हो चुकी है, यानी अब तक 25 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। सलमान खुर्शीद के बांग्लादेश जैसे कटाक्ष पर भड़के कैलाश विजयवर्गीय, सुना दी खरी खोटी। बता दे, बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। इस पर अब देश के कई नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। वहीं बीते दिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी ऐसा ही भड़काऊ बयान दिया था। वहीं इस बयान पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की एक टिप्पणी पर पलटवार करते हुए सलमान खुर्शीद हताश करार दिया। साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले ऐसे हताश नेताओं को शर्म आनी चाहिए। आगे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भारत एक मजबूत देश है और इसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत नेता हैं। इसलिए भारत में इस तरह की अराजकता की बात करना निंदनीय है। एमपी में आम लोगों के बाद अब साइबर ठगों के निशाने पर आईएएस और आईपीएस, 2 दिन में 6 कलेक्टर फ्रॉड के शिकार। मध्य प्रदेश में अब साइबर ठगों का बोलबाला शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक ये साइबर ठग आम जनता को अपना शिकार बनाया करते थे, लेकिन अब इन्होंने आम जनता के साथ साथ अधिकारियों और नेताओं को अपने जाल में फंसाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें, बीते दिनों कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के बाद अब तक प्रदेश के करीब आधा दर्जन कलेक्टर इन साइबर ठगों के निशाने पर आए हैं। आपको बता दें कि अब तक प्रदेश के जबलपुर, धार, सिवनी, अलीराजपुर, उमरिया और शहडोल के कलेक्टरों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं और साइबर ठग कलेक्टर की फोटो लगातार इस जालसाजी को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये साइबर ठग फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी को अंजाम दे रहे हैं और ये जालसाज लोगों को व्हाट्सएप मैसेज कर पैसों की मांग करते हैं। बुरहानपुर में मदरसे पर चला मोहन सरकार का बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर था अवैध कब्जा। मध्य प्रदेश में पिछले लंबे समय से अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीते दिन प्रदेश के बुरहानपुर जिले में प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। बता दें, यहां प्रशासन की टीम ने ग्राम सांडस कला वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए जा रहे मदरसे को बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों के शिकायत के बाद सुफा एजुकेशन सोसाइटी नाम से निर्माणाधीन मदरसे को ध्वस्त किया गया है। वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल समेत आलाधिकारी भी मौजूद रहे।
ग्वालियर में दहशत का दूसरा चेहरा भी आया। पुलिस की गिरफ्त में शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ा गया हत्यारा। जी हाँ, ग्वालियर पुलिस ने आकाश जादौन के शॉर्ट एनकाउंटर के 6 दिन बाद दूसरा शॉर्ट एनकाउंटर कर अनीता गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी मंकू उर्फ मयंक भदौरिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एसपी ने पर 20,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। बता दे, बदमाश ने अपने 2 साथी आकाश और सोहम के साथ मिलकर 29 जुलाई को हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हुए आरोपी मयंक को अस्पताल में भर्ती कराया है और अब पुलिस अब उसके ठीक होने के बाद हत्या की वजह को लेकर पूछताछ करेगी। ग्वालियर में हुई सागर जैसी घटना, भरभराकर गिरी स्कूल की छत। ग्वालियर के मुरार विकास खंड में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय चक्रामपुरा की छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी है। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह छत गिरी उस वक्त स्कूल के अंदर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बता दे, छत गिरने के कुछ देर पहले ही स्कूल में पढ़ रहे कई सारे बच्चे और स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक छुट्टी होने के बाद स्कूल भवन से बाहर निकल गए थे। यह पूरा घटनाक्रम मंगलवार का है। बता दे, इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार का कहना है कि स्कूल की छत पर पानी भी नहीं भरा हुआ था और न ही स्कूल की छत से पानी गिर रहा था, इसलिए इस भवन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। केपी यादव से किया वादा, राज्यसभा चुनाव में निभाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, जी हां, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव कराने वाला है। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कोटे से किसे राज्यसभा भेजती है, क्योंकि इस रेस में कई सारे नाम इस समय चल रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा मजबूती से केपी यादव का नाम सामने आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुना लोकसभा सीट से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि गुना वालों को 2 नेता मिलेंगे, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे केपी यादव। इसके बाद अमित शाह ने कहा, केपी की चिंता आप मुझ पर छोड़ दो, अब केपी यादव को आगे बढ़ाने का काम हमारा है। अब देखना होगा कि ये वादा पार्टी की तरफ से पूरा होता है या फिर नहीं। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन बिल से एमपी में बड़ी सरगर्मी। बता दे, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल पेश करने जा रही है। इसे लेकर बुरहानपुर में भी हलचल मची है, क्योंकि एमपी में भोपाल के बाद यहां भी वक्फ संपत्तियां होने से सरकार का संशोधन बिल चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दे, सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा 40 में संशोधन करने जा रही है। वही वक्फ बोर्ड पदाधिकारी बिल को पढ़ने एवं संसद में पास होने के बाद पक्ष और विरोध का निर्णय लेने की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर हाल ही में बुरहानपुर की 3 धरोहरों पर दावा बता रहे वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट ने खारिज कर इन स्मारकों को पुरातत्व विभाग को दिया है।